उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है, अपनों के नाम वो कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। अगर मेरी इजाजत के बगैर उस घर पे फोन लगाया या उस घर का फोन उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अपनी तैयारियों में ये मत भूल जाना कि तुम मल्लिका थापर के यहाँ पर जा रही हो, जो कि तुम्हें अपना दुश्मन समझती है। इसलिए पूरी सावधानी बरतना कि जो सब्जी सबसे बढ़िया और स्पेशल होगी हम उसको खराब कर देते। मैडम इसमें तो बस नमक ही नमक भरा पड़ा है, आदमी तो क्या ये जानवर भी नहीं खा सकता। आज उसके नौकरी का पहला दिन है, मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आपका आशीर्वाद उसके साथ बना रहे। मेरे ऑफिस में आना तो दूर, उसके इर्द गिर्द भी नहीं दिखाई दोगी तुम, समझी? सॉरी मैम, इस लड़की को पहचानने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नो प्रॉब्लम, आप अपना चेक मिस्टर मिश्रा से ले लीजिए। लेकिन मैम प्लीज। तुम्हारे भाग्य में ना तो सिर्फ तुम्हारी नौकरी का जाना लिखा है बल्कि तुम्हारी बदनामी भी लिखी थी। मल्लिका थापर से टक्कर लेने जा रही थी तुम। हम अपने मुकाम पर यूं ही नहीं पहुंचे, अंडरस्टैंड? बाय द वे ये रख लो, आंसू पोंछने के काम आएगा। कमान आकांक्षा को अब तक आ जाना चाहिए था माची, इतनी देर कैसे हो गई? हाँ बहू, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, लगता है किसी काम में उलझ गई होगी इसीलिए देरी हो गई होगी। आकांक्षा, आकांक्षा तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई, हमें कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी, क्या हुआ? आकांक्षा क्या हुआ बेटा? बेटा तू रो क्यों रही है? मैं हार गई माँ। क्या हुआ? मैं हार गई। क्या हुआ क्या बता तो सही, मुझे कैसे पता चलेगा क्या हुआ बेटा? मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाई माँ। कौन सा काम, क्या हुआ मुझे बता दे माँ। इसीलिए आकांक्षा को लगा कि वो अपना काम करने में असफल रही। ये तुमने कैसे मान लिया आकांक्षा कि तुम इस काम में असफल हो गई हो? सिर्फ इसलिए कि मल्लिका ने तुम्हें उस गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया जो गलती तुमने की ही नहीं है?
आकांक्षा बेटा, हम सबकी नजरों में तो तुम जीत गई हो, क्योंकि जब तुम्हें पता चला कि पार्टी मल्लिका के यहाँ है तो तुम मना कर सकती थी, क्योंकि उसके स्वभाव को तो तुम जानती ही हो। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया, क्योंकि तुम उन लोगों में से नहीं हो जो परेशानियों का सामना ना कर सके। और मल्लिका को तो ऐसा करना ही था आकांक्षा। और रही बात उसने जो जो तुम्हें कहा उसकी, तो वो उसकी सोच है, और किसी और की सोच के लिए हम खुद क्यों आंसू बहाए। बेटा आकांक्षा, जब बाहर की दुनिया में काम करने के लिए निकली हो तो ऐसे परेशानियों का सामना तो तुम्हें हमेशा करना पड़ेगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दिया करते बेटा। बहू जाओ, इन दोनों के लिए चाय बना के ले आओ। जी माँ जी। मेरी बच्ची, जिंदगी के राह में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं तो होती रहेगी, क्या तुम उससे डर जाओगी या उसका डटकर सामना करोगी? मुझे यकीन है तुम जरूर डटकर सामना करोगी। मेरी बच्ची, मूड खराब नहीं करते हुँ? तुम अपना मूड ठीक करो, तब तक मैं तुम्हारे पापा को दवाई देके आती हूँ। हंसो। आकांक्षा, अभी अभी दादी ने तुम्हें इतनी अच्छे से समझाया और तुम फिर भी नहीं समझी। देखो आकांक्षा, ऐसे लोगों की बातों का बुरा क्या मानना जिन्हें बस दूसरों को नीचा दिखाना अच्छा लगता है। सोहन, सच कहूं तो आज मेरा मन बहुत दुखा है। अगर आज पापा की तबीयत ठीक होती ना, तो मल्लिका थापर की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मुझसे इस तरह बिहेव करती। आकांक्षा, ये सच है कि सर की तबीयत अब ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने आप को और भी मजबूत बनाना होगा। तुम्हें लोगों को ये दिखाना होगा कि सर की तबीयत ठीक ना होने पर भी तुम हो अपने परिवार को संभालने वाली। हाँ सोहन, तुम सही कह रहे हो, मुझे हर हाल में लड़ना होगा। मेरे परिवार का जो विश्वास मुझ पर है, मुझे वो बनाए रखना होगा। मैं हर हाल में लड़ूंगी और मैं कभी हार नहीं मानूंगी, कभी नहीं। और एक बात आकांक्षा, तुम्हें इस तरह की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आकांक्षा, तुम एक होनहार स्टूडेंट हो, तुम कुछ भी करके अपने घर पर ट्यूशन ले सकती हो। और तब तक इस घर की चिंता मत करो,
इस घर की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, इस घर को मैं संभाल लूंगा। नहीं सोहन, अभी तक ये किसी को नहीं मालूम कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और अगर ये पता चल भी गया तो भी माँ तुमसे पैसे लेने के लिए कभी राजी नहीं होंगी। आकांक्षा तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, आंटी से मैं खुद बात करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भगवान, तृष्णा के लिए अपूर्व को पाकर हम खुश थे ही, साथ में आकांक्षा के लिए सोहन जैसा वर देकर आपने हमें धन्य कर दिया है। मेरा बेटा जिसका भी दामाद बनता ना, वो अपने आप को खुशनसीब मानते, लेकिन हमारी बदनसीबी है कि ऐसी कंगाली की बेटी हमारे घर की बहू बनी। सच बताऊ माँ, मैं तो जब भी भाभी को देखती हूँ ना, मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या बताऊँ। अरे मेरी बहुत सारी सहेलियाँ माँ, जिनकी भाभी उनके लिए अपने मायके से एक से बढ़कर एक सामान लाती, लेकिन इन महारानी को देख लो, एक बार भी ख्याल नहीं आता कि मेरे लिए कुछ खरीदे। पूजा, सबका अपना अपना भाग्य होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है कि तेरे पापा जैसे आदमी से शादी हुई जिनको ज्यादा पैसा कमाने की चाह ही नहीं थी। मैंने ये सोचकर संतोष कर लिया था कि बहू आएगी तो कम से कम घर दहेज से भर देगी, लेकिन वो भी आई तो कंगाली। मेरे लाखों के बेटे की कीमत कौड़ियों में लग गई। कोई बात नहीं माँ, और आप तो वैसे भी प्लान बना रही है ना उसे इस घर से बाहर निकालने का, तो फिर क्या है, कुछ ही दिनों में आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बस फिर तो भैया की दूसरी शादी करने की देर है। सुकन्या हमारी बेटियां। सुकन्या हमारी बेटियां। सच पूजा, इस बारी तो मैंने लिस्ट भी बना ली है कि क्या क्या मांगूंगी। ठीक है माँ, पर आपने एक बात सोची, अगर भैया ही भाभी को छोड़ने के लिए राजी ना हुए तो क्या करेंगे हम लोग। इस बारी मैंने एक ऐसी चाल सोची है पूजा कि तृष्णा खुद ही उस चाल में फंस जाएगी, और एक बारी मेरे सिकंजे में आ जाए ना तो देखना अपूर्व खुद ही उसे धक्का मार के इस घर से निकाल देगा। अरे माँ आप तो ग्रेट हो, लेकिन प्लान क्या है ये तो बता दो। पहले ये बता कि कल तारीख क्या है। कल 5 दिसंबर। 5 दिसंबर, तुझे मालूम है कल तृष्णा के पापा का जन्मदिन है, 5 दिसंबर। अरे माँ आप पहेलियां क्यों बुझा रही है, जल्दी बताओ ना प्लान क्या है। प्लान बहुत कमाल का है पूजा, तृष्णा के पापा का जन्मदिन ही उसके लिए सबसे बड़ा काला दिन बनेगा। बस तू देखती जा। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है आकांक्षा, जो हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि किसी की चाल के वजह से तुम्हें यह सब सुनना पड़ा। जो गलती तुमने की ही नहीं है उसका अफसोस किस बात का। आ,
आप ठीक कह रही हो माँ, लेकिन क्या दुनिया इतनी बुरी है कि ईमानदारी और सच्चाई से जीने वालों को हमेशा इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? कीमत नहीं, परीक्षा। ये परीक्षा है आकांक्षा, और इस परीक्षा से गुजरकर इंसान का जो व्यक्तित्व बनता है ना, वो उसे औरों से अलग करता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। वैसे एक बात है आकांक्षा, सोहन तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। हाँ, मेरे हर सुख दुख में, मेरी हर परेशानी में वो हमेशा मेरे साथ रहता है, मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देता। ये बहुत अच्छी बात है बेटा, और तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें सोहन जैसा अच्छा दोस्त मिला है। एक ईमानदार दोस्त हजारों मतलबी रिश्तेदारों से कहीं बढ़कर होता है। माँ, क्या बात है आकांक्षा? ऐसी कौन सी बात है जो मुझे कहने के लिए तुम्हें सोचना पड़ रहा है? बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सहेली भी हूँ। मैं जो कुछ कहना है उसे बेझिझक कह सकती हूँ। माँ, माँ, मैं और सोहन, मेरा मतलब है कि सोहन और मैं, माँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों दोस्त से भी बढ़कर कुछ और हो, यही ना? आप जानती हैं माँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत पहले से जानती हूँ, मुझे भी तो बस अभी पता चला है। माँ, मैं आपको बहुत पहले ये बता देना चाहती थी, लेकिन पापा के एक्सीडेंट के बाद मुझे मौका ही नहीं मिला कि आपसे अपने बारे में बात कर सकूं, आपको अपने और सोहन के बारे में बता सकूं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है आकांक्षा, अगर तुमने सोहन को चुना है तो वाकई उसमें कोई खूबी तो होगी ही। माँ, मैं ये तो नहीं जानती कि उसमें क्या खूबी है, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जब कभी भी मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं उसे अपने पीछे नहीं बल्कि अपने साथ पाती हूँ। बहुत खुशनसीब हो आकांक्षा, ये तुम्हारे कहे बिना सोहन तुम्हारे साथ रहता है, और एक लड़की को अपने जीवन साथी में और कौन सी खूबी चाहिए? आज मैं बहुत खुश हूँ आकांक्षा, और चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हें लाल जोड़े में विदा कर दूँ। और चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हें लाल जोड़े में विदा कर दूँ। नहीं माँ, मैं पापा के आशीर्वाद के बिना अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरी शादी तभी होगी जब पापा अपने हाथों से मुझे आशीर्वाद देंगे। तब तक मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ, मैं यही रहूंगी, आप सबके साथ रहूंगी। तुम जरूर हमारे पिछले अच्छे कर्मों का फल हो आकांक्षा, वरना आजकल के बेटे तो माँ बाप के बारे में इतना सोचते भी नहीं। बात बेटा और बेटी की नहीं है माँ, बात आपके दिए हुए संस्कारों की है, बात जो पापा ने हमें शिक्षा दी है
उसकी है। अगर हम आपसे कुछ कहें तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? अपूर प्लीज रुकिए ना, हमारी बात का जवाब तो दीजिए। अपूर हमारी बात का जवाब। आखिर क्या कहना चाहती, बोलो। अपूर हम यही कहना चाहते हैं कि हम कितनी कोशिश करते हैं कि माँ जी खुश रहे, हमसे नाराज ना हो, पर पता नहीं हमसे क्या गलती हो जाती है कि माँ। मैं ये सब नहीं जानता। देखो कभी मुझे ना ऐसा लगे कि मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं अपूर प्लीज आप ऐसा मत कहिए, हम तो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि आपसे हमारी शादी हुई है। तुम खुश नसीब हो, लेकिन कभी मुझे तो मौका दो कि मैं अपने आप को खुश नसीब मान सकूं। दिन कोई ऐसी बात होती है जिससे मेरा यकीन तुम पर से टूटता जाता है। कौन से प्रॉब्लम संभालूं, घर के या ऑफिस के, मुझे ये समझ में नहीं आता। अपूर हम तो बस यही चाहते हैं कि आप माँ जी से पूछिए कि उन्हें आखिर हमसे दिक्कत क्या है, वो हमसे इतना नाराज क्यों रहती है, हमारी गलती क्या है। देखो तुम्हारे और माँ के बीच में जो प्रॉब्लम है वो तुम्हें सॉल्व कर, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया कि मुझे तुम में और माँ में से किसी एक को चुनना है तो मैं तुम्हें नहीं चुनूंगा। कर दे हर सपना सुकन्या सुकन्या सुकन्या।